वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस क्लास में अपन किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? आई इफेक्ट के बारे में ना। मैंने आई इफेक्ट के बारे में कुछ बताया था कि आई इफेक्ट क्या होता है, और उसके साथ में अपन डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, है ना, कि आई इफेक्ट की एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन अपने कौन सी चल रही थी। फर्स्ट एप्लीकेशन वॉज स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज। इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, है ना, कि अगर आपके पास कोई कैटायन आ जाए, आपके पास कोई एनायन आ जाए, तो उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। जनरली अगर अपन देखते हैं ऑर्गेनिक में, तो एक तो देखते हैं कार्ब कैटायन। मैंने आपको बताया था क्या होता है कार्ब कैटायन, का मीनिंग क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, और कार्ब एनायन मीन्स क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। बस इतना सा ही प्रीवियस क्लास का अपन रिवाइज करेंगे, बाकी सारे आपके पास अभी क्वेश्चंस रहेंगे, आपको उसके आंसर बताने में। तो ना मैंने कहा था कल कि अगर आपको कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी देखनी हो, तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई इफेक्ट के। और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखनी हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, माइनस आई इफेक्ट के। इतना ध्यान में रखना है। ओके, प्लस आई इफेक्ट का मीनिंग क्या हो गया, कि वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कोई भी कैटायन हो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज। माइनस आई इफेक्ट का मीनिंग क्या हो गया, कि वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं मीन्स इलेक्ट्रॉन को लेंगे, है ना, तो आपके पास वो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया ये CH3, CH2 पे नेगेटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड CH पे नेगेटिव चार्ज, CH ट्रिपल बॉन्ड सी पे नेगेटिव चार्ज। आपको इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ए बी एंड सी, है ना। एक और आ गया आपके पास लाइक CH3, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड CH पे पॉजिटिव चार्ज, CH ट्रिपल बॉन्ड सी पे पॉजिटिव चार्ज। आपके पास क्या आ गया, तीनों हैं ए बी सी। आपको ऑर्डर बताना है कि दैट विच वन इज करेक्ट ऑर्डर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। ओके, आपके पास एक ही स्पीसीज आ गई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज। आपको इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताना है। चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सुनो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और चलो एक यहाँ पे लेके आया, तो दो। इन दोनों में आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी बतानी है किसकी, कार्ब कैटायन की। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे आपके पास कार्बन है, जल्दी से बता दीजिए ए बी सी, ए बी सी और ये ए बी, इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, और रीजन साथ में बताना है कि ऐसा क्यों होता है। सही बताया काशवी ने कि देखो आपके पास कार्ब एनायन है फर्स्ट वाले कंपाउंड में ना, कार्ब एनायन है तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी बच्चों, माइनस आई इफेक्ट। किस पे डिपेंड करेगी, माइनस आई इफेक्ट पे। जिसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा उस कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब सर यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है किसका कम, तो पता करने के लिए कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं दे रखा, टेंशन नहीं लेनी, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी किसकी ज्यादा है। कि सर वो कैसे देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखते हैं, मैंने कल भी बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, परसेंटेज एस कैरेक्टर के। जिसके एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहाँ देखो ये कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, कौन सा sp,
ये कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है आपके पास, sp3, है ना। यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो आपके पास परसेंटेज एस करेक्टर कितने होंगे, 50%। यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर कितने होंगे, 33.33%, और यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर कितने होंगे, 25%। अब देखो परसेंटेज एस करेक्टर जितने ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है माइनस आई इफेक्ट उतना ही क्या रहता है, ज्यादा। और माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। देन करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास, सी बी, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ए, सी बी ए, ये आपके पास करेक्ट ऑर्डर रहेगा ना। अब अपन बात करते हैं सेकंड वाले कंपाउंड में। सेकंड में मैंने आपको कहा है कि आपको कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है, एनायन की नहीं, कैटायन की। सर बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, कार्ब कैटायन की और कार्ब एनायन की किसी की भी। अब ये इतना ध्यान रखना है कि कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई इफेक्ट के क्या रहती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई इफेक्ट के क्या रहती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, अब सेकंड कंपाउंड की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम किसकी होगी, कि सर मिनिमम तो इसकी हो रही है, तो मिनिमम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है तो आपके पास माइनस आई इफेक्ट भी इसका क्या है, मिनिमम। माइनस आई अगर मिनिमम है तो स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, मैक्सिमम। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा, ए फिर बी और फिर आपके पास सी। अब इसकी बात करते हैं थर्ड वाले कंपाउंड, क्योंकि थर्ड में आपके पास ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है CH2, यहां पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ओके, यहां पर एक ही कार्बन है तो ये कितने डिग्री हो गया बच्चों, 1 डिग्री। यहां पर एक कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, कितने से बॉन्डेड है कि सर, एक तो इससे बॉन्डेड है, एक इससे बॉन्डेड है, एक इससे बॉन्डेड है, कितने डिग्री हो गए ये आपके पास, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री और 3 डिग्री में से प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, 3 डिग्री का। अब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो इसमें ए और बी में से बी क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दो और फिर आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लेके आते हैं। जल्दी से हैंड रेज कर दो अगर समझ आ गया हो कि क्या रीजन है। अगर फर्स्ट वाला रीजन समझ आ गया हो तो सेकंड में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज सेकंड में वही है कि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी आपके पास क्या रहेगी, कम रहेगी। और माइनस आई इफेक्ट कम रहेगा तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में उम्मीद करता हूं कि आप रिप्लाई करोगे, अच्छे से करोगे और अपना आंसर अच्छे से दोगे, सही दोगे। देखो CH3 CH2 CH NO2 CH2 माइनस, ओके, और CH3 CH NO2 CH2 CH2 माइनस। अब बताइए कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा और बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा होगा कि सर ये भी तो NO2 है और ये भी NO2 है, दोनों ही माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई। तो सर कैसे बताएं, तो देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि आई इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। डिस्टेंस ज्यादा तो आई इफेक्ट क्या रहेगा, कम। अब सर डिस्टेंस किससे देखेंगे, अब देखो ये CH2 है, ये NO2 है, इस कार्ब एनायन और NO2 की डिस्टेंस क्या है कि सर कम है, और इस कार्ब एनायन और NO2 की डिस्टेंस क्या है कि सर ज्यादा ज्यादा है। तो इन दोनों की अगर डिस्टेंस ज्यादा है आपके पास तो इनका माइनस आई इफेक्ट जो है NO2 का वो क्या होगा, इसका कम होगा, और इसका माइनस आई इफेक्ट जो है वो क्या होगा कि सर ज्यादा होगा। और अगर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो आपके पास कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी भी क्या होगी कि सर ज्यादा होगी। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ए वाला, और बी वाला क्या रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा। दोबारा एक बार बताता हूँ, देखो इसमें देखोगे जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, जो ए वाला कंपाउंड है, यहाँ पे
जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और जो NO2 है उनकी डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस अगर कम हो तो आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे CH2 है, यानी कि कार्बेनाइन प्रेजेंट है, तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, किसर ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, कम। क्लियर है। अब अगर माइनस आई इफेक्ट कम हो तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी भी क्या रहती है, कम रहती है। तो इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी कम होगी, इसकी कम होगी और इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास है CH3, CH2, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, आपके पास है CCl3, CH2, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, आपके पास है CF3, CH2 और CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास C है, ये आपके पास B है, ये आपके पास A है, आपको ये बताना है कि विच कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल एंड व्हाई, कौन सा कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। और अब देखो यहाँ पे आपको मैंने कहा कि ये दो पॉइंट ध्यान रखना है कि कार्ब कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम प्लस साइड इफेक्ट इतना ज्यादा होगा, वो आपके पास कार्ब कैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखें कार्बेनाइन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बेनाइन जो है उसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, माइनस आई इफेक्ट, है ना, ये स्टेबिलिटी के लिए दे रखा है। अब एक बात बताओ, सब में अगर बात देखें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना। यहाँ पे थर्ड नंबर कार्बन एटम पे कौन है, थर्ड नंबर कार्बन एटम पे हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे थर्ड नंबर कार्बन एटम पे कौन है, Cl। यहाँ पे थर्ड नंबर कार्बन एटम पे कौन है, क्लोरीन है। अब देखो यहाँ थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन। मैं आपको कहूँ कि अरेंज दीज एलिमेंट इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन क्लोरीन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होगी और सबसे कम किसकी होगी, हाइड्रोजन की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका माइनस आई इफेक्ट क्या रहेगा, आपके पास मिनिमम रहेगा। अब माइनस आई इफेक्ट जिसका ज्यादा होगा उस कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। उस कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम, बिकॉज यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, तीन तीन फ्लोरीन बॉन्डेड है, तीनों ही माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, इस कार्बन को और ज्यादा भिखारी बनाएंगे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके। वहां पे क्या प्रेजेंट है, ओनली हाइड्रोजन है जिसका आई इफेक्ट जीरो होता है, तो वो अगर इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता बट इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं। क्लोरीन की भी क्या टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन लेने की, तो इलेक्ट्रॉन अगर जो ग्रुप देंगे यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं मतलब जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं वो हमेशा कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो अपने पास जो ऑर्डर है वो क्या आएगा, सबसे ज्यादा होगा ए स्टेबल, उसके बाद कौन स्टेबल होगा, बी, और उसके बाद कौन स्टेबल होगा, सी। तो सी विल बी लीस्ट स्टेबल बिकॉज वहां पे माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम है, और ए जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्या है, मिनिमम है। अगर समझ आ गई ये बात तो जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे। अगर जो मैंने कहा, जो मैंने एक्सप्लेन करा समझ आ गया है तो हैंड रेज कर दो, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसकी स्टेबिलिटी पे, फिर सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे इसकी। तो देखो लास्ट क्वेश्चन, stability of charge species पर CH3, CH2, CH, NO2, CH2 पे माइनस, CH3, CH2, CH, CN, CH2 पे माइनस। ये कंपाउंड आपके पास A, ये कंपाउंड आपके पास B, थर्ड कंपाउंड CH3, CH2, CHF, CH2 पे माइनस, ये कंपाउंड C, CH3,
CH2CH यहां Cl CH2 पे माइनस D, ये कंपाउंड D आपको अरेंज करना है इन कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी एक ऑर्डर में, किसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की, इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबल आप अरेंज कर दो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। चलो देखते हैं क्या आंसर होगा। देखो यहां पर अगर अपन देखें तो डिस्टेंस तो मैटर ही नहीं करेगी बिकॉज सारों में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है और सेकंड नंबर पे कोई ना कोई ग्रुप लगा रखा है। यहाँ कौन सा ग्रुप है कि सर NO2, यहाँ कौन सा ग्रुप है CN, यहाँ कौन सा ग्रुप है F और यहाँ कौन सा ग्रुप है Cl। ओके अब इनको अरेंज करो ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई के, कि सर मैंने कल आपको बताया था कि वो सारे कंपाउंड जिसमें ए डबल बॉन्ड बी और ए ट्रिपल बॉन्ड बी हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए हो, उनका माइनस आई इफेक्ट सेकंड नंबर पे रहता है। फर्स्ट नंबर पे किसका रहता है, फर्स्ट पे उनका रहता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, सेकंड में वो वाले और थर्ड देखते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। तो अगर मैं इनको अरेंज करूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को, तो NO2 ग्रुप जो है उसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, फिर CN का होगा, फिर फ्लोरिन का होगा और फिर क्लोरिन का होगा माइनस आई इफेक्ट। क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में अपन क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखेंगे, यहाँ पे CN और COOH होता तो CN का ज्यादा होता। CN और NO2 में मैंने कल बताया था कि सबसे ज्यादा NO2 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है, फिर किसका होता है CN का होता है और फिर किसका होता है आपके पास COOH का, ये ऑर्डर रहता है। तो NO2 का सबसे ज्यादा, फिर CN का, फिर F का, फिर Cl का। आपको स्टेबिलिटी किसकी देखनी थी, आपको स्टेबिलिटी देखनी थी कार्ब एनायन की, किसकी स्टेबिलिटी देखनी थी कार्ब एनायन की। तो कार्ब एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी माइनस आई इफेक्ट के, किस पे डिपेंड करेगी वो माइनस आई इफेक्ट के, कि जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वो कार्ब एनायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा, यहाँ पर, फिर वहां पर सेकेंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे पहले D का सबसे कम, फिर C का, फिर B का और फिर A का। ये तो हो गया आपके पास इंक्रीजिंग, और अगर डिक्रीजिंग पूछते तो A, B, C और D, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर और ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये माइनस आई इफेक्ट की, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट की पहली एप्लीकेशन थी आपके पास कौन सी, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज्ड स्पीसीज। सेकेंड एप्लीकेशन पे बात करते हैं, सेकेंड आता है एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। सेकेंड एप्लीकेशन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो किस पे डिपेंड करती है वो बता देते हैं, कल इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे। कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है किसी भी कंपाउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा वो मोर एसिडिक होगा, जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा वो लेस एसिडिक होगा। और अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें अपन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लस आई इफेक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, माइनस आई इफेक्ट। तो इस पर डिस्कस अपन कल की क्लास में करेंगे, क्वेश्चंस अपन कल की क्लास में करेंगे। ओके तो मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करें कि इसको थोड़ा रिवाइज करें और इस पर क्वेश्चन करें, और थोड़ा मैंने आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए, तो एक बार उसको रीड करें, है ना, कि किसका इफेक्ट ज्यादा होता है, किसका इफेक्ट कम होता है, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ओके मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच बच्चों।